अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको ओबिटी बताऊंगी वो है स्किन ब्राइटनेस से रिलेटेड, और वो भी ड्राई स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है और आप स्किन ब्राइटनिंग चाहती हैं तो ये वीडियो परफेक्टली आपके लिए ही है। फिर चलते हैं इसके फर्स्ट इंग्रेडिएंट की तरफ। फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है दही। दही बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ये आपके फेस को मॉइस्चराइज करती है। अमूमन क्या होता है, जो ड्राई स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई आउट हो चुकी होती है और कोई भी प्रोडक्ट्स लगाने से ड्राइनेस ख़त्म नहीं हो रही होती। तो ये मास्क जब आप लगाएंगी तो आप देखेंगे कि आपकी ड्राइनेस ख़त्म हो गई है और साथ साथ कलर भी, कम्प्लेक्शन भी फेयर हो गया है। दही जो होती है बहुत अच्छे तरीके से आपके फेस को मॉइस्चराइज करेगी, आपके पोर्स के अंदर तक, डीपली अंदर जाके मॉइस्चराइज करती है ताकि जो आपके फेस की ड्राइनेस है वो भी ख़त्म हो सके और आपका कम्प्लेक्शन जो है वो फेडिंग की तरफ जा सके। इसके अलावा इसके अंदर वो तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि स्किन कम्प्लेक्शन को फेयर करने में, ब्राइट करने में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। दही चीज़ जो आप इसमें यूज़ करेंगी हमेशा आपने रूम टेम्परेचर पर यूज़ करनी है। ये नहीं करना कि फ्रिज में दही पड़ा हुआ है तो आपने उसे निकाला और यूज़ किया है। आपने हमेशा पहले उसे रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है, देन आप उसे बाकी इंग्रीडियंट के साथ ऐड ऑन करेंगी और फेस पे अप्लाई करेंगी। चलते हैं इस मास्क के नेक्स्ट इंग्रीडियंट की तरफ। नेक्स्ट इंग्रीडियंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है कि आपकी स्किन वाइटनिंग प्रोसेस को दिनों के अंदर स्टार्ट करती है और आपके कम्प्लेक्शन को विदाउट एनी साइड इफेक्ट फेयर करती है, ब्राइट करती है। कॉफ़ी के अंदर बेसिकली वो तमाम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि स्किन ब्राइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब आप इसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगी बाकी इंग्रीडियंट के साथ मिला के, तो फर्स्ट टाइम से ही आप देखेंगे कि फर्स्ट टाइम आपने यूज़ किया तो आपकी स्किन का कलर जो है पहले से बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया है, आपको फेयर लगेगा। और जब आप इसे बाकी दिनों डेली बेसिस में इसको यूजेस में लेकर आएंगी तो आपके जो फेस पे जो कम्प्लेक्शन है वो परमानेंट तरीके से फेयर हो जाएगा, क्योंकि कॉफ़ी के अंदर ये टेंडेंसी पाई जाती है कि ये आपके पोर्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है और वहाँ पर तमाम एसेंशियल विटामिन प्रोवाइड करती है ताकि जो है आपका स्किन का कम्प्लेक्शन है वो फेयर हो सके। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट इंग्रीडियंट जो आपने इसमें यूज़ करना है वो है हनी। हनी बेसिकली एंटीसेप्टिक होता है और एंटीबैक्टीरियल होता है, तो ये आपके फेस के ऊपर जो है हर तरह के इश्यू को ट्रीट आउट करता है और आपको एक फेयर कम्प्लेक्शन प्रोवाइड करता है। बेसिकली एक्टिव जो हनी होता है ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव कंसिडर किया जाता है। ये कदीम ज़माने से जो है खूबसूरती के लिए इसे माना जाता है और साथ ही साथ क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है और जब हम इसे अप्लाई करते हैं बाकी इंग्रीडियंट के साथ मिला के, तो आपके कम्प्लेक्शन को जो है दिनों के अंदर जो है फिट उनकी तरफ लेकर जाता है। और ख़ास तौर पर ड्राई स्किन के लिए है ये, तो ड्राई स्किन पे तो ये एक मिरेकल की तरह काम करता है, क्योंकि ये जहाँ पे आपकी स्किन ब्राइटनिंग का काम करेगा साथ ही साथ क्या करेगा, आपके फेस की ड्राइनेस को भी ख़त्म करेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको बनाने के लिए आपने 1 टेबल स्पून कॉफ़ी लेनी है। 1 टेबल स्पून आप उसमें दही ऐड करेंगी और 1/2 टेबल स्पून जो है हनी का ऐड करेंगी। स्लाइड करते हैं तमाम इंग्रीडियंट को आपस में मिक्स। चलिए जी, ये देखिए मैंने कॉफ़ी के अंदर दही को और शहद को ऐड कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है ड्राई स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन ड्राई है और आप अपने कम्प्लेक्शन को फेयर करना चाह रही हैं तो आपने ये मास्क बनाना है और फेस पे अप्लाई करना है। दिनों के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी, फेयर कम्प्लेक्शन आ जाएगा और साथ ही साथ क्या होगा, आपकी ड्राइनेस भी ख़त्म हो जाएगी, यानी आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। ये देखिए, आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो है जो कॉफ़ी के जो है इसके अंदर जो है अच्छे से कॉफ़ी मिक्स हो सके। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इसे आपने थोड़ी देर मुसलसल हिलाना है ताकि कॉफ़ी जो है वो दही के साथ और शहद के साथ अच्छे से मिल जाए। ये देखिए, इसको बनाने के बाद आपने 5 मिनट्स का इसको रेस्ट देना है। 5 मिनट के बाद आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगी। अब आपने इसे अप्लाई कैसे करना है, आपने अपने फेस को वॉश करना है पहले ताकि तमाम डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाएँ। देन 20 मिनट्स के लिए आप अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करके देखेंगी।
20 मिनट्स के बाद जाके आपने टैप वाटर के साथ फेस को वॉश कर लेना है। फर्स्ट टाइम यूज़ से ही आप अपने फेस के कलर में वाजिया डिफरेंस देखेंगी, आपको अपना कम्प्लेक्शन जो है वो फेयर नज़र आएगा और कॉन्टिन्यू यूज से आपकी ड्राइनेस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और साथ साथ जो है आपके स्किन का कम्प्लेक्शन जो है वो फेयर हो जाएगा। आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।